एक तरफ आरटीएच के विरोध में सड़कों पर डॉक्टर, तो दूसरी तरफ इलाज नहीं मिल पाने के कारण अस्पतालों में मरीज परेशान। राजस्थान में डॉक्टरों की महाबंदी के बीच इन दो तस्वीरों के अलावा एक तीसरी तस्वीर भी वायरल हो रही है। ये तीसरी तस्वीर बूंदी के जिला कलेक्टर की है, जो हड़ताल के दौरान अस्पताल में परेशान मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जिला कलेक्टर के इस काम की जहां हर कोई तारीफ कर रहा है, वहीं सीएम गहलोत ने भी इनके जज्बे को प्रशंसनीय बताया है। दरअसल राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी डॉक्टरों के समर्थन में सरकारी डॉक्टरों ने भी 29 मार्च को महाबंद का ऐलान कर रखा है। डॉक्टरों के इस कार्य बहिष्कार से प्रदेश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए हैं। खबरों की माने तो प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों के डॉक्टर 29 मार्च को हड़ताल पर चले गए। निजी अस्पतालों के इस हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों का भार बढ़ गया। अस्पतालों पर भार बढ़ने से परेशान मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनको डॉक्टर नहीं मिल पा रहे। हड़ताल का जायजा लेने जब बूंदी कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, जो खुद एक MBBS डॉक्टर हैं, जिला अस्पताल पहुंचे, तो वहां मरीजों को परेशान होता देख खुद को रोक नहीं पाए। रविंद्र गोस्वामी ने तुरंत डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर मरीजों को देखना शुरू कर दिया और एक एक करके कई मरीजों का इलाज किया। बीपी एक बार नाप लेना। बीपी क्या चल रही है? क्या दिक्कत है? ये मान लो 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 जिला कलेक्टर के मरीजों का इलाज करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने भी इस वीडियो को शेयर करके जिला कलेक्टर की तारीफ की। वीडियो को शेयर करते हुए सीएम ने लिखा है कि ऐसे ही सेवा भाव और समर्पण से चिरंजीवी हो रहा है राजस्थान। आरटीएच के विरोध में फिलहाल राजस्थान में हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर डॉक्टर की भीड़ जमा है, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में लाचार मरीज भटक रहे हैं। बता दें कि डॉक्टरों के महाबंद ऐलान के बाद सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन प्रदेश के अस्पतालों में बंद का असर देखा गया और मरीज परेशान होते हुए नजर आए।